नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। बेजवानों को लेकर के बहुत सारे व्यक्ति ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ पखंडी लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों, चाहे शिवरात्रि हो चाहे नागपंचमी हो, कुछ व्यक्ति शिव जी का रूप धारण करके उस तरह वेशभूषा पहन के बेजवानों को तकलीफ पहुँचा। ऐसा कुछ व्यक्ति हमें कॉमेंट करते हैं कि शिव जी जब अपने गले में लगाते तो हम क्यों नहीं। तो हम जानते हैं महादेव भगवान शिव ये भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं और इनका गले में अक्सर सांप विराजमान करता है। इसका पीछे इनका स्वरूप, इस स्वरूप में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ, इसके बारे आज बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है इस वीडियो का तो जुड़े। अक्सर हम देखते हैं कि शिव जी के गले में सांप विराजमान था। इसका कारण है, अब जानते हैं समुद्र मंथन के समय में एक नाग देवता को रस्सी जब टूट गया चुका था, उस समय में उस सांप से समुद्र मंथन हो रहा था। उसी समय उस सांप का गले से जहर निकला, उस जहर से पूरे हमारा प्राणी जगत नष्ट ना हो जाए, इसलिए शिव भगवान जो माधव जो उस जहर को अपने गले में ले लिया। वो गले में वो जहर गले के पास अटक गया, वहाँ पर उस जहर अक्सर रहता है, इसलिए सांप को गले में लगा कर रखता है ताकि ठंडक हो, और सांप हम जानते हैं ठंडक होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति के मन में ये अंधविश्वास घर कर बैठा है। सबसे बड़ी बात है कि अक्सर देखते हैं कि सांप को लेकर के तरह तरह का ये लोग वीडियो बनाते हैं। खासकर एक वीडियो थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा हूं दोस्तों, पहले देख लीजिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों देख रहे थे, चाहे वो शिव जैसा सर संवर के आप सांप में गले हो, या नागमणि, या आप सांप को दूध पिलाने का प्रथा, ये सभी जो है एक जो है ये साइंटिफिक रीजन से एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं। हम जानते हैं कि ना सांप जो है सुन सकता है, ना वो समझ सकता है। सांप जो है अल्प बुद्धि होता है, जिसके कारण ये जो है कभी बदला नहीं ले सकता, ना इसके पास नागमणि होता है, ना सांप जो है ये इच्छाधारी होता है। अक्सर हम जानते हैं सांप इच्छाधारी कहकर बहुत सारे व्यक्ति मारते हैं, या ये कहते हैं कि किसी को अगर सांप को मारते हैं तो वो सांप बदला लेता है। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तत्व ये कहता है कि अगर सांप को किसी सांप को मारते हैं उस समय में उसका गुदा द्वारा एक रसायन निकलता है जो दूसरे सांप को संकेत पहुँचाता है। उस समय में मारने के बाद जब ये रसायन बाहर में ये उसका गंध सूंघ के दूसरे सांप वहाँ आया होगा और इसको देखकर ये प्रतिज्ञा दिखाए होंगे कि भाई यहाँ पर हो सकता है ये सांप बदला लेने के लिए आए। और ये कहते हैं इसके हाथ में कैमरा होता है, या ये सांप जब 100 साल हो जाता है इसके पास नागमणि। ये भी सरासर गलत है। कर्नाटक में सबसे बड़ा जो सपेरा का कबीला रहता है, जो बस्ती है, वहाँ पर भी व्यक्ति का ये कहना है कि आज तक ना हमें नागमणि दिखा, आज तक कोई इच्छा अरे कोई सांप देखे हैं, ना ऐसा कभी होता। तो इसीलिए ये कोई भी हम लोग देखते हैं ये इस पर अफवाह फैलाते हैं तो ये सरासर गलत है, ये मिथक है, ऐसा कभी होता नहीं। तो इसीलिए आप सांप जो पर्यावरण मित्र है, शिव जी के गले में सांप रहने का ये दर्शाता है कि सांप हमारा कितने भी जहरीला हो ये हमारा पर्यावरण मित्र है, इसे बचाए रखना जरूरी। और महादेव जो है प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सांप या भगवान को लेके इस तरह मजाक ना करें। और खास करके भगवान का रूप धारण करने का जो प्रयास करते हैं ये एक अपमानजनक है, और दूसरे कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म ही ऐसा अक्सर होता है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा कोई वीडियो बना रहा है वहाँ पर आप जो है इसको रोके, ऐसा करना ना करें। भगवान या किसी का इज्जत कर दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।